हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवेंचरस ट्रैक्स। सो आज हम लोग निकल पड़े एक नए एडवेंचर की तरफ। आज हम लोग अंडमान के माउंट हेरेट नेशनल पार्क की तरफ जा रहे हैं, जो कि अब जाना जाता है मणिपुर पर्वत राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। हम लोगों ने रास्ते को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय किया। हम लोग अपनी कार से जा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर से माउंट हेरेट नेशनल पार्क 47 किलोमीटर्स की दूरी पर है। आप चाहें तो पैसेंजर शिप से भी जा सकते हैं। हम लोग अभी जाते टाइम अपनी कार से जा रहे हैं और रिटर्न टाइम हम लोग शिप से आएंगे। देखिएगा ज़रूर। और हमारी बेबी सो रही है पूरे रास्ते भर, वो सोएगी और वहाँ जा कर के वो जग जाएगी। सो हम लोग रास्ते को इंजॉय कर रहे हैं। ये एक व्यू पॉइंट था। हर तरफ ग्रीनरी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बारिश वाला मौसम, धूप नहीं थी। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया रास्ते को भी, वेदर को भी। फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये रहा एंट्री गेट। यहाँ पर हम 5 मिनट रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे एंट्री देनी पड़ती है अंदर जाने के लिए, और कुछ मनी भी देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। कार जाएगी अंदर, हम सब जाने जाएंगे। सो अब हम लोग चल पड़े हैं अंदर। तो गाइस, हम लोगों ने कार के यहाँ पे 30 रुपीज़ दिए थे और पर पर्सन यहाँ पे एंट्री के 60 रुपीज़ लगे थे। सो ये जंगल है, जैसे आप लोग मूवीज़ में देखते हैं गहरा जंगल, वैसे ये गहरा जंगल है। बीच से सड़क काट दी है, पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन हाँ, डरावना भी बहुत था। 4:15 बजे ये पार्क बंद हो जाता है क्योंकि अंधेरा भी होने लगता है, कोई एंट्री नहीं है। देख रहे हैं आप रास्ता कितना ज़्यादा भयानक है, डरावना है, लेकिन सुंदर बहुत है। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वेदर की वजह से भी, और ग्रीनरी तो वाओ, ब्यूटीफुल नेचर। मैडम जग गई हैं और तता कर रही हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ही मज़े किए रास्ते में। सो गाइस, ब्यूटीफुल वे को आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा रास्ता है। आप लोग ग्रुप के साथ आइए, बहुत ही मज़ा आएगा। ग्रुप के साथ और ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जब हम 3 लोगों को मज़ा आया तो ऑब्वियसली बात है ग्रुप में और भी मज़ा आएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर माउंट की तरफ चढ़ रहे हैं, वैसे वैसे फॉग कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ही मतलब ठंडा मौसम है। अच्छा हुआ जो हम लोग वानी को गर्म कपड़े पहना के लाए हैं। कोइंसिडेंटली हम लोग पता नहीं क्या दिमाग में आया, जो हमने उसे गर्म कपड़े पहना लिए। हम लोग तो टॉयलेट कर लेंगे पर बच्ची नहीं कर पाएगी। यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। यहाँ पे देखिए, एक किसी ब्रिटिश अफसर का बंगला बन रहा होगा जो कि रुक गया। देखिए यहाँ पे बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ जीने ही बचे हैं, बाकी सब ढह गया या बना ही नहीं, जो भी हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच ही गए हैं। कुछ टूरिस्ट भी आपको दिख रहे होंगे, टूरिस्ट सीजन चल रहा है तो टूरिस्ट आएंगे ही। आप फॉग देख सकते हैं कितना ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जब मतलब सन दिखे, धूप में आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि व्यू पॉइंट तो धूप में ही दिखेगा। ये आप रिज़ॉर्ट देख सकते हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप है, रिज़ॉर्ट है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। और हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे यहाँ पे। हमारी गाड़ी पार्क हो गई है, वो खड़ी है, और अब हम लोग यहाँ पे घूमेंगे। इस पार्क में क्या क्या है? फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है, हट्स हैं, बड़ा सुंदर सजा रखा है, बड़ा सुंदर व्यू है। यहाँ पे आप धूप में आएंगे तो व्यू पॉइंट दिखेगा समंदर का। नील आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और रॉस आइलैंड एकदम साफ दिखेंगे व्यू पॉइंट से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। हमारी वानी इंजॉय कर रही है अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा। ये रही निकोबारी झोपड़ी, इसमें देखते हैं क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आज आए हैं माउंट हेरियट नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर से 47 किलोमीटर्स दूर है। और ये हमारी वानी रास्ते भर सोई है, और ये पतिदेव निकोबारी झोपड़ी के अंदर आप देख सकते हैं। और ये जैसा कि माउंट हेरियट नेशनल पार्क, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी, और एकदम माउंट में है तो बिल्कुल फॉगी मौसम है, और इतना फॉग है कि हल्का हल्का मतलब बारिश का बूंद भी आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, फॉग बहुत ज़्यादा है।
वो निकोबारी झोपड़ी के अंदर बैठ गई घुस करके। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ का व्यू, बहुत प्यारा है। ये देखो ये कितना एंजॉय कर रही हैं हट के अंदर, इसको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। नींद पूरी हो गई है तो बच्ची खेल रही है हमारी। सो गाइस आगे चलते हैं कि आगे और भी क्या क्या है, आप व्यू देखिए। यहाँ पर कीड़े मकोड़ों और जोकों से सावधान रहिएगा। छोटी छोटी हट्स और टेंट भी यहाँ पे लगा रखा है, आप चाहे तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं, और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी अवेलेबल है, मतलब आपको कोई कमी नहीं दिखेगी खाने पीने से लेके टॉयलेट तक की। और ये एक रास्ता है काला पत्थर में, आपका स्वागत है। ये 2.5 या 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जाना चाहें तो जा सकते हैं, पर हम नहीं गए थे क्योंकि हमारे साथ बच्ची थी और मौसम भी ख़राब था, इसलिए ग्रुप के साथ आइए तो जा सकते हैं, पर हाँ जोकों से सावधान। और यहाँ पे बैठने की बेंचेस भी हैं, झूले भी दिख रहे हैं आपको, झूले भी हैं, हम लोगों झूला भी झूला था, फुल एंजॉय किया था मतलब। सो अब हम लोग व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए टेंट्स हैं, इन टेंट्स में आप स्टे भी कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, और उधर रिजॉर्ट है ही खाने पीने का, और आप पिकनिक टाइप भी यहाँ पे कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं, ये रहा हमारा व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। जहाँ आपको ये फॉग दिख रहा है ना, ये पूरा समंदर है। बस हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया कि उस दिन सूरज नहीं निकला था, बारिश वाला मौसम हो गया तो समंदर नहीं दिख रहा है। व्यू जो मेन व्यू था, व्यू नहीं दिख रहा है आइलैंड्स का, वरना बहुत मज़ा आती। तो ये हमारा व्यू है जो कि फॉग की वजह से दिख नहीं रहा है, मुझे बहुत इस बात का दुख हो रहा है, धूप में आता तो दिखता। ये व्यू देख लीजिए आप मेरी बेटी का। सो देख सकते हैं व्यू ऑफ शहीद द्वीप यहाँ से दिखेगा, मतलब हर तरफ की डायरेक्शंस दी हुई है कि किस डायरेक्शन की तरफ आप कौन सा आइलैंड देख सकते हैं, पर दिख नहीं रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं समुंदर तो दिख रहा है, पर फॉग ही बहुत था, सनराइज नहीं हुआ था। दुख हो रहा है मुझे इस बात का, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये आपको समंदर का पानी दिख रहा होगा, क्या बताऊँ अब। लेकिन आज जो वेदर था ना, जिस वेदर में हम लोग गए थे, ऑसम। ये देख, ये फादर एंड डॉटर एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा स्लो मोशन भी हो जाए इनका, मैडम का और उनके पापा के साथ। सो गाइस अब हम लोग वापस चलते हैं अपने पोर्ट ब्लेयर, यहाँ घूम लिया, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत सुंदर वेदर था, और बस इतना ही था जो था, रिजॉर्ट खाने पीने के लिए, टेंट्स रुकने के लिए, सब यही था। आप यहाँ आके पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, और व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का। चलते हैं बैक टू होम, अब हम लोग शिप से जाएंगे। पहले तो ये व्यू पॉइंट देख लीजिए, रास्ते में हमें दिखा था, यहाँ पे खड़े होकर थोड़ा हम लोगों ने फ़ोटो वोटो शूट किया, नारियल का पेड़ देख लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं पैसेंजर शिप की तरफ। ये जो सुंदरता देख रहे हैं आप, ये बहुत ही खतरनाक है। ये देखो झूला झूल रही हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है, ये अपने पापा के साथ बहुत मस्ती कर रही हैं।
तो चलो चलते हैं जेट्टी की तरफ जहाँ से हमें शिप मिलेगा। लेट्स गो, जल्दी जल्दी। सो गाइस, बी रीच्ड, ये रहा हमारा पैसेंजर शिप और यहाँ से हम लोग अपनी कार को शिप में चढ़ाएंगे और शिप का एंजॉय करेंगे सफ़र। शिप में चढ़ने के लिए हमारी कार के 160 रुपीज़ लगे थे और पर पर्सन 16 रुपए। तो हम लोग चल पड़े हैं। ये रहा समुद्र का पानी, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, इतना तेज़ लहर नहीं था। गाइस फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड एंड बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये माउंट हैरियट नेशनल पार्क, कैसा लगा वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।